हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट 5th है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग विंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में था। विंग अपने बेड पर था और काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा था। विंग के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। विंग सोचता है, ऐसा क्यों होता है जब भी मैं मिस्टर लैन के पास होता हूँ ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर काफ़ी सारी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, मुझे पुल कर रही हैं, मुझे पुश कर रही हैं। ये सही है कि वो मेरे पार्टनर हैं, तो फिर ये अलग सी फीलिंग क्यों है? फिंग याद करने लगता है कि जब वह वांगशी के साथ आ रहा था, जब वांगशी ने बोला था मैं तुम्हारा डैडी नहीं शुगर डैडी बन सकता हूँ। इसके बाद जब वांगशी विंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो, फिंग वांगशी को देखता है, कितना शरीफ फेस बना रखा है, वाह, जैसे कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं हो। इसके बाद विंग अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है और वांगशी की तरफ देखता है। वांगशी बोलता है, क्या? विंग बोलता है, आपको याद है कि आपने अभी अभी क्या बोला? इसके बाद वांगशी चुप हो जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। विंग वांगशी की तरफ देख रहा था, वह अपने आईब्रो को फ्राउन करता है। विंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। विंग बोलता है, क्या आप सभी को यही ऑफर देते हो? वांगशी बोलता है, नहीं। फिंग बोलता है, अच्छा, और मुझे? इसके बाद वांगशी चुप हो जाता है। फिर फिंग दोनों के बीच के गैप को कम करता है और वांगशी के फेस के पास अपने फेस को ले आता है। वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। फिंग बोलता है, आपने कितनों को ये ऑफर दिया है? वांगशी अपने फेस को फिंग के फेस की तरफ करता है, किसी को भी नहीं। और वांगशी सीधा फिंग की आँखों में देखता है, क्योंकि वांगशी ने आज तक ऐसा ना तो किसी को ऑफ़र दिया था, न ही किसी से ऐसा बोला था। वांगशी की आंखें एक डोमिनेंट होकर फिंग को देख रही थी। वांगशी बोलता है, तुम सबसे अलग हो। फिंग भी वांगशी की आंखों को देख रहा था। एक पल के लिए फिंग को लगता है कि मानो उसका दिल धड़कना ही भूल गया है। फिंग देखता है ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिंग सोचता है, मैं खुद को इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होने दे सकता। और इसके बाद विंग जल्दी से पीछे हो जाता है। फिंग को लगता है कि मानो वांगशी की आंखें भी उसे हिप्नोटाइज कर सकती हैं। अब विंग इसी बात को सोच रहा था अपने बेड पर लेटे हुए कि आखिर मिस्टर लैन का ओरा ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं मेरा दिल सबमिसिव होने के लिए तैयार हो जाता है। ये नहीं हो सकता यार, मैं भी एक अल्फा हूँ, मुझे हो क्या जाता है? इसके बाद विंग अपने बेड पर से खड़ा हो जाता है। विंग सोचता है, मुझे चीज़ों का पता लगाना ही होगा। इसके बाद विंग अपनी एक बुक निकालता है, अपने हाथ को कट करता है और एक स्पेल को कास्ट करता है। विंग के सामने एक दरवाज़ा बनता है। विंग उस दरवाज़े में जाता है और विंग वहाँ से एक लाइब्रेरी में पहुँच जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी किताबें रखी थी। विंग यहाँ पर एक किताब को ढूँढने आया था जिस किताब के बारे में उसने थोड़ा बहुत सुना था। उस किताब में सारी स्पीशीज़ के बारे में जानकारी है। विंग को अपने बारे में पता करना था कि आखिर एग्जैक्ट वे क्या है और उसके साथ क्या हो रहा है। इस वक्त लाइब्रेरी में कोई भी नहीं होता और इस वक्त किसी का भी आना बैन था। विंग इस टाइम पे इसलिए आया था क्योंकि लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिन्हें पढ़ने पर ही बैन लगाया गया है। विंग सोचता है, मुझे जल्दी करनी होगी इससे पहले कि वहाँ पर कोई आ जाए। फिंग देखता है यहाँ तो काफ़ी सारी किताबें हैं, अब इन किताबों में वह उस किताब को कैसे ढूँढे? फिंग सोचता है, मैं नियम तोड़ रहा हूँ लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद फिंग अपने जादू का इस्तेमाल करता है। लगभग हज़ारों किताबें वहाँ पर आसमान में उड़ने लगती हैं और चारों तरफ हवा की तरह घूमने लगती हैं। फिंग अपनी स्पेल के थ्रू उन सभी को एक साथ पढ़ने का ट्राई करता है। फिंग अपने ध्यान को फोकस करता है कि किसी तरह उसे वह किताब मिल जाए, लेकिन विंग को वह किताब नहीं मिलती। उसके बाद विंग उन सभी किताबों को वापस उनकी जगह पर रख देता है। विंग सोचता है, अब उसे और किताबों में देखना होगा। इसके बाद विंग आगे बढ़ता है और किताबों को ढूंढने लगता है। विंग किताबों को फील करने की कोशिश करता है कि शायद उसे कुछ पता चल जाए। विंग अंदर की तरफ बढ़ता है, उसे कुछ किताबों से अलग फीलिंग आती है। विंग उनमें से एक किताब को अपने जादू के थ्रू उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उठाता है उस किताब में आग लग जाती है। ये देख कर विंग हैरान तो हुआ था,
लेकिन उसे ऐसा कुछ था कि यहाँ पे चीज़ें इतनी आसान तो नहीं होंगी। तभी विंग को वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है। विंग सोचता है कि अब तो वह गया, डेफिनेटली उस किताब के चल जाने से कोई सिग्नल तो पहुँच गया होगा। विंग सोच रहा होता है कि अभी उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसे वह किताब तो मिली ही नहीं जिसे वह ढूंढ रहा था। विंग वहाँ से भागने के लिए अपनी स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन विंग वहाँ से नहीं जा पाता। विंग सोचता है नहीं, अब नहीं। तभी पीछे से कोई एक पर्सन आकर विंग को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि वांगशी था। वांगशी विंग को दीवार पर पिन कर देता है। वांगशी विंग की तरफ क्वेश्चन लुक के साथ देख रहा था। विंग राहत की सांस लेता है कि आखिर वह बच गया। अब विंग वांगशी को देखता है कि अब वांगशी को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। विंग बोलता है, वो मिस्टर लैन, मैं तो बुक पढ़ने आया था। लेकिन वांगशी अपनी आईब्रो को फ्राउन करता है। विंग बोलता है, सॉरी, अब मैं नहीं करूँगा। वांगशी विंग को देखता है, सीरियसली? वांगशी विंग को देख रहा था इस वक्त। विंग बोलता है, वो जाने दीजिए ना। वांगशी विंग से कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन उसे ही देख रहा था। वांगशी बोलता है, तुमने नियम तोड़े हैं। विंग बोलता है, ओ मिस्टर लैन, क्या अब आप मुझे पनिशमेंट दिलवाओगे? वांगशी बोलता है, मैं थोड़ी देर और लेट आता ना, वहाँ पे कैंडल मेडन आकर तुम्हें इस दुनिया से बैनिश कर देती। इस पर विंग चुपचाप हो जाता है। वांगशी बोलता है, तुमने यहाँ पर आना कैसे मैनेज करा? विंग बोलता है, टैलेंट, और स्माइल कर दिखाते हैं। इसके बाद विंग अपने मुंह को बंद कर लेता है और चुपचाप मासूम बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है। विंग वांगशी को देखता है, मिस्टर लैन, ये मत कहना कि आप भी यहाँ पर नियम तोड़ कर आए हो। वैसे आपने कौन सी बुक पढ़नी थी ऐसे चुरा कर? वांगशी विंग को देखता है, उसे समझ ही नहीं आता आखिर वो इसे क्या ही कहे। वांगशी बोलता है, ये लाइब्रेरी लैन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। विंग बोलता है, ओह, मैं तो भूल गया था, और जबकि मैंने खुद ही तो पढ़ा था। और वह पार्क बनाते हैं। वांगशी बस अपने सर को हिलाता है। विंग बोलता है, लेकिन मैं कोई भी स्पेल कास्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो गया। वांगशी बोलता है, तुम्हारे होने का यहाँ पर पता चल गया है, जैमर लग चुका है, कोई पावर वर्क नहीं करेगी। विंग बोलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आना आराम से मैनेज कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। वांगशी बोलता है, पकड़े जाते। इस पर विंग चुप हो जाते हैं। वांगशी बोलता है, विंग, तुमने गलत किया। विंग वांगशी की तरफ देखता है, तो फिर आप बता दीजिए मिस्टर लैन, आप कर दीजिए मेरे क्वेश्चन का आंसर, बता दीजिए मिस्टर लैन, आप कौन हैं और मैं क्या हूँ? विंग सीधा वांगशी की आंखों में देख रहा था। वांगशी कोई आंसर नहीं कर पाता। विंग बोलता है, क्यों नहीं बता सकते? गुस्सा, प्यार और नफ़रत एक के साथ एक ही इंसान से, और रीज़न नहीं पता, और ख़ुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना। आपको पता है मिस्टर लैन कैसा लगता है? वांगशी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, छोड़िए मिस्टर लैन। वांगशी बोलता है, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। इस पर विंग सिर्फ अपनी आंखें घुमाते हैं। विंग बोलता है, वैसे आपको सिक्योरिटी टाइट कर लेनी चाहिए। वांगशी बोलता है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, और वो भी इतने आराम से। विंग बोलता है, लेकिन मैं आ गया ना, और अपने कंधे को शक कर वहाँ से जाने लगते हैं। मुझे यहाँ से जाना है मिस्टर लैन। और वह पार्क बनाकर वांगशी की तरफ देखता है, और वांगशी सिर्फ उसी को देख रहा था। वांगशी हाँ में अपना सर हिलाता है और वहाँ से जैमर हटवा देता है। विंग जाने वाला होता है। वांगशी पूछता है, तुम एक विजर्ट हो? विंग बोलता है, कोई शक? और इसके बाद वह वहाँ से चला जाते हैं। विंग के जाने के बाद वांगशी बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। वांगशी सोच रहा था, इस विंग में काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं, स्पेशली विंग की आंखें, जो कि कभी चमकती थी, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल कोल्ड हैं, जैसे वह सिर्फ क्वेश्चन करना जानती हो। वांगशी सोचता है, अगर विंग विजर्ट है भी, तो भी विजर्ट्स भी यहाँ पर नहीं आ सकते। वांगशी बस विंग के बारे में ही सोच रहा था, और सोचता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इधर हम लोग विंग को देखते हैं, जो कि घर नहीं जाता। विंग का मूड खराब हो चुका था, उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन कुछ भी बात हासिल नहीं हुई, उल्टा वो बिल्कुल पकड़ा जाने वाला था।
और पकड़े जाने के बाद उसकी सोल का भी पता नहीं चलता कि आखिर वह कहाँ गायब हो गई। इसके बाद वीइंग सीधा ग्रेवयार्ड जाता है। वीइंग वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर ग्रेव को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की की आत्मा आती है। वह वीइंग से आकर बोलती है। वह वीइंग को देखती है, कैसे हो? लेकिन वीइंग कोई आंसर नहीं करता। वह लड़की बोलती है, तुम्हारा मूड ख़राब है क्या? वीइंग फिर भी कोई आंसर नहीं करता। वह आत्मा बोलती है, मुझे पता है तुम आत्माओं को देख सकते हो, तुम यहाँ पिछली बार भी आए थे, लेकिन तुम आंसर ही नहीं करते। वीइंग वहाँ से चलने लगता है। वह भी वीइंग के साथ चलने लगती है। वह बोलती है, सीरियसली, लोगों का मूड ख़राब होता है तो वो किसी गार्डन जाते हैं, वो पार्क जाते हैं, वो बीच पे जाते हैं। तुम्हारा ख़राब होता है तुम मुँह उठाकर ग्रेवयार्ड पर चले आते हो। वीइंग सोचता है, ये कितना बोलती है। इसके बाद वीइंग सड़क पर चलने लगता है और वह भी वीइंग के साथ चलने लगती है। वह वीइंग को देख रही थी, वैसे तुम स्ट्रेस हो गए किसी चीज़ को लेकर, वैसे तुम क्यूट लगते हो, बट तुम थोड़ा सा बोलना भी सीख जाओ। वीइंग अब भी उसका कोई आंसर नहीं करता। वह बोलती है, वैसे तुम मुझे देख सकते हो। वीइंग बोलता है, वापस नहीं जाना? वह लड़की बोलती है, देखा, मुझे पता था, बट तुम आंसर नहीं कर रहे थे। वीइंग बोलता है, अगर मैं तुमसे बात करूँगा ना तो तुम तो किसी को दिखाई दोगी नहीं, पर जिन्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ ना, वह मुझे पागलखाने शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद वीइंग दूसरी तरफ देखता है, जहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। वीइंग को वहाँ पर दो आत्माएँ दिखाई देती हैं। इसके बाद वीइंग वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। वह आत्मा सोचती है, कितना अकड़ू है यार, लेकिन क्यूट है। वीइंग सोचता है, ये सच है, मुझे आत्मा दिखाई देती हैं बचपन से, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। विजर्ट जादू करते हैं, ठीक है, लेकिन आत्मा? इसके बाद अगले दिन यानली वीइंग को देखती है। यानली बोलती है वीइंग से, आई, क्या हुआ? वीइंग बोलता है, कुछ नहीं। यानली बोलती है, तुम इतने अजीब आंसर क्यों देते हो? वीइंग बोलता है, अब मैंने क्या करा? यानली बोलती है, बताओ ना। वीइंग बोलता है, शिजे, कैसा हो सकता है कि आप एक ही इंसान से प्यार करो, उसी इंसान से नफरत करो, उसी इंसान पे गुस्सा आए कि उसका सर फोड़ दो? यानली बोलती है, दूसरों का पता नहीं, लेकिन तुम तो ऐसा कर सकते हो। वीइंग बोलता है, शिजे। यानली बोलती है, मैं सही कह रही हूँ, कभी कभी तुम इस तरह से खिलसते हो, इस तरह से गुस्सा करते हो कि समझ नहीं आता तुम क्या करोगे। वीइंग पार्क बनाता है, शिजे। यानली बोलती है, ओके ओके, वैसे कौन है वो? वीइंग बोलता है, क्या? यानली बोलती है, वीइंग, शूट मत बोलो, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से नोटिस करती हूँ। लेकिन वीइंग सिर्फ अपने कंधों को शक कर कर दिखाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। यानली बोलती है, ये लड़का भी ना। फिर कॉलेज के बाद वीइंग सीधा कंपनी चला जाता है। जब वीइंग की छुट्टी होती है तो वीइंग के पास वांगशी आ जाता है। वीइंग वांगशी को अवॉइड करने का ट्राई करता है, लेकिन वांगशी वीइंग को रोक लेता है। वीइंग वांगशी की तरफ मुड़ता है, क्या? वांगशी बोलता है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें घर। वीइंग बोलता है, ना। इस पर वांगशी कुछ नहीं बोलता और बस वीइंग को देखता है। वीइंग बोलता है, मिस्टर लैन, वैसे कैसा लगेगा कि किसी कंपनी का सीईओ वहाँ पर काम करने वाले एक कॉलेज स्टूडेंट का ड्राइवर है? वांगशी वीइंग की तरफ देखता है। वीइंग बोलता है, आप ही तो मुझे घर छोड़ना चाहते थे ना? वांगशी वीइंग की बातों को इग्नोर करता है। इसके बाद वीइंग से पूछता है, तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? वीइंग बोलता है, क्यों, आप मुझे डिनर डेट पर ले जा रहे हो? वांगशी बोलता है, ओके। वीइंग बोलता है, ओके, इतनी जल्दी? सीरियसली मिस्टर लैन, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मुझ पर क्रश है? कहीं आपको मुझसे सच्ची वाला प्यार तो नहीं है? वह अपने फेस को वांगशी के फेस के बिल्कुल पास कर लेता है। वीइंग देखता है कि वांगशी की ईयर्स रेड हो रहे हैं और वांगशी भी बस वीइंग को देख रहा था। वीइंग ने क्यूटली पॉट बना लिया था और उसकी नजरें सीधा वीइंग के होठों पर थी। वीइंग इस चीज़ को देखता है। इसके बाद वीइंग हल्का सा वांगशी के फोरहेड पर अपना हाथ मारता है, कहाँ खो गए आप? वांगशी अपने सर को हिलाता है। वीइंग सोचता है, मैं आपसे साफ साफ बोल देता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके हाँ बोलने की देरी होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।